लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. हेरिडिटी मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई चीज को पास करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेरिडिटी. अब कोई चीज मतलब यहाँ पे कोई चीज नहीं है, यहाँ पे कैरेक्टर्स है. वी लुक सिमिलर टू अवर पेरेंट्स, इट इज बिकॉज ऑफ सम जीन्स. ओके, एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम देयर ऑफस्प्रिंग टू देयर ऑफस्प्रिंग, दिस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. समझ गया हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी और वेरिएशन एक चैप्टर आपने स्टडी किया रहेगा 9th स्टैंडर्ड के अंदर. ओके, वेरिएशन मतलब जो सिमिलैरिटी, एक तो सिमिलैरिटीज होती है जिसको हेरिडिटी बोलते हैं, और एक डिससिमिलैरिटीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन. वी डू नॉट लुक एग्जैक्टली सिमिलर टू अवर पेरेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज वेरिएशन. अंडरस्टूड हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होता है? इस चैप्टर में हम लोग उसके साथ ही साथ कुछ इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करने वाले. इवोल्यूशन का मतलब होता है क्या होता है? इवोल्यूशन सबने बचपन में स्टडी किया रहेगा, पहले मंकी था, फिर वो एप बना, फिर एप से ह्यूमन. सो दिस एंटायर प्रोग्रेस जर्नी ऑफ ह्यूमन बींग फ्रॉम मंकी टू एप्स, फ्रॉम एप्स टू ह्यूमन बींग, दिस इज कॉल्ड एन इवोल्यूशन. इवोल्यूशन मतलब बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन आना, उसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं. बॉडी में कोई भी चेंजेस आना, वो चेंजेस परमानेंट हो जाना, उसको क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन. अंडरस्टूड इवोल्यूशन क्या होता है? ऑलराइट, तो चैप्टर का मीनिंग आपको समझ में आ गया है कि चैप्टर में एक्चुअली है क्या. ओके, हेरिडिटी इज रिलेटेड टू डीएनए. ओके, हेरिडिटी इज रिलेटेड टू डीएनए. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. कहाँ होता है ये? क्रोमोसोम में होता है. ओके, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम सब स्टडी किया था ना हमने. चलिए उसका डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ अभी. ओके, अब इवोल्यूशन को स्टडी करने से पहले आपको डीएनए और डीएनए से क्या बन सकता है और क्या क्या डीएनए के फंक्शंस होते हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे. तो ये है आपका सेल. क्या ये सेल? सेल में ये है न्यूक्लियस. ओके, क्या है? न्यूक्लियस. ओके, सेल एंड न्यूक्लियस. सेल में दो चीजें हैं, एक है डीएनए, एक है आरएनए. ओके, क्या है? डीएनए एंड आरएनए. आप जो बोल रहे हो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, बट न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए. और न्यूक्लियस के बाहर होता है आरएनए. ठीक है, आरएनए के तीन टाइप्स होते हैं. कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए. एमआरएनए, एम फॉर मैसेंजर, एम फॉर मंकी नहीं, एम फॉर मैसेंजर, टी फॉर तोता नहीं है, टी फॉर ट्रांसफर, एन आर फॉर राइबोसोम. स्टडी किया था क्या आपने पहले? कभी स्टडी किया था? वेरी गुड. ऐसा जरा याद कर करके आने का तो मेरा टाइम कम यूज रहेगा. ठीक है, तो आरएनए जो होता है, आरएनए जो होता है ये तीन टाइप का होता है. पहला टाइप इसमें जो है वो है एम आर एन ए, नेक्स्ट है आर आर एन ए, नेक्स्ट है, चिल्लाने का नहीं, एम आर एन ए, आर आर एन ए, टी आर एन ए. ओके, इन तीनों में से एम आर एन ए ये टेम्पररी होता है. अच्छा, उसके पहले ये सुनो, एम आर एन ए न्यूक्लियस के अंदर होता है और आर आर एन ए और टी आर एन ए ये न्यूक्लियस के बाहर होता है. तो आपको पोजीशन समझ में आ गया कि एम आर एन ए किधर होता है, आर आर एन ए किधर होता है और टी आर एन ए किधर होता है. समझ में आ गया ये? ओके, अब डीएनए जो है, डीएनए ये डीएनए से बनता है एम आर एन ए. क्या बनता है? विद द हेल्प ऑफ डीएनए क्या फॉर्म होता है? एम आर एन ए. अच्छा, ये जो एम आर एन ए है ये आता है बाहर, न्यूक्लियस के बाहर आएगा ये. ओके, और फिर ये जो एम आर एन ए है ये एम आर एन ए से बनेगा प्रोटीन. क्या बनेगा? प्रोटीन. समझ में आ गया? चलिए इसके टर्म्स याद कर लीजिए. अभी जब ये डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन.
समझ में आ गया। जब ये डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जब ये एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। दिस टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, और इसी का सारा खेल इस चैप्टर के अंदर है। और ये दो चीज को समझ लीजिए, 11, 12 जितना साइंस पढ़ना है आपको, बायोलॉजी स्टडी करना है हर एक ईयर में, हर एक टॉपिक में, जब ये आपको काम देने वाला है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। समझ में आ गया। और ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की हेल्प से ही आपका मॉडिफिकेशन होता है बॉडी के अंदर, और इसी के वजह से इवोल्यूशन भी होता है। तो इवोल्यूशन ये कोई सडन चेंज नहीं है, ये स्लो प्रोसेस चेंज है जो स्टेप बाय स्टेप होता है। ओके, जनरेशन टू जनरेशन होता है, म्यूटेशन होता है, बहुत सारी चीजें मिलने के बाद में फिर उसका होता है इवोल्यूशन। व्हाट इज इवोल्यूशन, क्या है? ओके, नाउ अब इसके अंदर ये जो कन्वर्जन हो रहा है डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, इस पूरे को अगर एक सिंगल वर्ड से मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं उसको बोलूंगा सेंट्रल डॉगमा। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल डॉगमा। तो सेंट्रल डॉगमा मैंने बोला मतलब क्या स्टडी करना है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सेंट्रल डॉगमा मतलब क्या स्टडी करना है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। समझ में आ गया ये सब? ओके, चलिए इसके बाद में हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ये आप डॉगर लो, चलिए अभी हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया, एक कौन है रे, कौन टीचर बोल रहा है साहब, मेरे को बिल्कुल पसंद है, मुझे चाय पाए का मतलब लोग बट के। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि डीएनए से क्या बनने वाला है, एमआरएनए, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्यों होता है, जेन्युइन क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन क्यों होता है। तो अपने बॉडी के बहुत सारे नीड्स होते हैं, क्या होता है, नीड्स। ओके, ये जो नीड्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे फंक्शन है प्रोटीन से, प्रोटीन की हेल्प से आगे बढ़ते। तो प्रोटीन होगा तो ये फंक्शंस होंगे, प्रोटीन नहीं होगा तो ये सारे के सारे फंक्शन स्टॉप हो जाएंगे। इन ऑर्डर टू प्रोसीड प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, और प्रोटीन बनने के लिए एमआरएनए इज रिक्वायर्ड, और एमआरएनए के लिए ट्रांसक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। तो ट्रांसक्रिप्शन क्यों होता है, ताकि बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, जितने भी फंक्शंस हो रहे, हर एक फंक्शन प्रोटीन से हो रहा है, और प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए एमआरएनए होता है, और एमआरएनए किससे बनेगा, डीएनए से बनने वाला, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, यू ऑल नो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, तो ये जो डीएनए होता है, दिस डीएनए इज हाईली कॉइल्ड, डीएनए इज हाईली कॉइल्ड, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर किसने बताया था, कासिम सर ने बताया, वैटसन एंड क्रिक, क्या नाम है, वैटसन एंड क्रिक। तो वैटसन एंड क्रिक के मॉडल के हिसाब से डीएनए जो है हाईली कॉइल्ड है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, यहाँ पे सब पेयरिंग्स है नाइट्रोजनस बेस का, ये दो कॉइल आपस में एकदम ट्विस्टेड है। ओके, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए बनता है, तो ये अनट्विस्ट हो जाएगा, समझ में आया। और जब ये अनट्विस्ट हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा, समझा, बीच में से ओपन हो गया। अब जब बीच में से ओपन हो गया, ओके, अभी मैं जो दिखाता हूं, देखो किधर का डस्टर, ये डीएनए का स्टैंड है, बराबर, ये डीएनए का स्टैंड है, डबल स्टैंड। ये कॉइल है ना, इसको मैंने ओपन कर दिया, तो एक स्टैंड ऊपर, एक स्टैंड ये वाला, सिर्फ इतना पार्ट अनकॉइल्ड हो गया, बाकी पार्ट पूरा कॉइल ही रहेगा लाइक दिस, समझा, अभी समझ में आया। ये पूरा कॉइल्ड है, कॉइल्ड है, उसको बीच में से मैंने अनकॉइल कर दिया, खोल दिया, तो बीच के स्टैंड पैरेलल दिखेंगे, बाकी दोनों एंड क्या है, कॉइल्ड है। ओके, अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थाइमिन। एडिनाइन पेयर्स विद एंड ग्वानाइन पेयर्स विद, तो अगर यहाँ पे ए रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे सी रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जी, यहाँ पे टी,
टी ए टी, समझ में आ गया ये? ओके, इनके बीच में बॉन्ड्स होते हैं, पेन भी नहीं चलता है, क्या होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं। ओके, उसके बीच में क्या होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं। अभी जो बॉन्ड्स है, दिस बॉन्ड्स आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। विच बॉन्ड्स? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ये ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैर में थे, अब सिंगल सिंगल हो गए। अब ये सिंगल सिंगल हो जाते हैं, उसके बाद में ये टी है ना, तो इसके अपोजिट में न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोब्स होते हैं। ओके, तो जैसे ये टी है तो यहाँ पे आ जाएगा ए, ये जी है तो यहाँ पे आ जाएगा सी, ये सी है तो फिर क्या आएगा? जी। ए है तो, सॉरी टी है तो ए, ए है तो टी, ए है तो टी, तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड बन गया। ये स्ट्रैंड फ्लोट होते होते यहाँ पे आएगा, समझा? पहला वाला क्या है? ए। सेकंड वाला क्या है? सी। थर्ड वाला क्या है? जी। उसके बाद क्या है? ए। उसके बाद क्या है? टी। उसके बाद क्या है? टी, समझा? वैसे उसके आगे जी रहेगा, उसके आगे ए रहेगा, जो भी कुछ रहेगा रहेगा। ठीक है, अब याद रखो कि डीएनए में थायमाइन होता है, आरएनए में थायमाइन नहीं होता है, उसके प्लेस पे क्या होता है? यूरैसिल होता है। क्या होता है? यूरैसिल। अंडरस्टूड? अगर आपने टी लिखा तो आपको क्या मिलेगा? अंडा मिलेगा। फिर बोलना नहीं टीचर मुर्गी। अंडरस्टूड? थायमाइन नहीं लिखना है, क्या लिखना है? यू। यू फॉर व्हाट? यूरैसिल लिख देता हूँ। यू इज फॉर यूरैसिल। समझ में आ गया? ओके, तो जब ये वाला स्ट्रैंड अप फ्लोट होते होते नीचे आया, तो ये है आपका एम आर एन ए, और ये आपका जो डीएनए था ये तो चला गया। ओके, ये वापस से पेयरिंग हो जाएगा इसके बीच में, और फिर से ये कॉइल्ड होके सेम ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। अंडरस्टूड? तो डीएनए से क्या बन गया? एमआरएनए। एमआरएनए जो है इसके पास एक मैसेज है। क्या है? मैसेज। एमआरएनए के पास जो मैसेजेस होते हैं वो मैसेज किसी फॉर्म में होते हैं। जैसे हम लोग पहले के जमाने में मैसेज देते थे तो लिफाफे में डाल के देते थे, पोस्टमैन के थ्रू भेजते थे, तो एक कबूतर है तो और पुराना जमाना है इसका, कबूतर लेके जाता था, किसी और को पहुंचा देगा तो फिर तो कहने का मतलब क्या है कि पहले हम लोग एनवेलप में डालते थे, अभी भी एनवेलप में डालते हैं, लेकिन इसका जो मैसेज होता है, इसका मैसेज कोडॉन में होता है। किसमें होता है? कोडॉन, सी ओ डी ओ एन, एन कोडॉन। क्या बोलते हैं इसको? कोडॉन। समझ में आया? ओके, नाउ कोडॉन क्या होता है? ग्रुप ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड। क्या बोला मैंने? ग्रुप ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि ए सी जी, ये ग्रुप ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड है ना, इसको बोलते हैं कोडॉन। क्या बोलेंगे इसको? कोडॉन। फिर इसके बाद में ये एक सेकेंड कोडॉन, ये कोडॉन वन, नेक्स्ट है ये वाला कोडॉन टू, इसके बाद में और तीन कुछ रहेगा। ओके, वो रहेगा आपका कोडॉन, कोडॉन थ्री। समझ में आया? ओके, तो कोडॉन क्या होता है? ग्रुप ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड, ग्रुप ऑफ थ्री, ग्रुप ऑफ थ्री, ग्रुप ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या बोलेंगे? कोडॉन बोलेंगे। समझ में आ गया कोडॉन क्या होता है? कोडॉन में इंफॉर्मेशन होती है। किसकी इंफॉर्मेशन होती है? एमआरएनए तो है, वो एमआरएनए के पार्ट्स को कोडॉन बोलते हैं। एमआरएनए को क्या प्रोड्यूस करना है? प्रोटीन प्रोड्यूस करना है। क्या प्रोड्यूस करना है? प्रोटीन। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। कितने अमीनो एसिड रहेंगे? पता नहीं कितने रहेंगे, डिपेंड करता है कौन सा प्रोटीन है। समझ में आया? टोटल अमीनो एसिड जो नेचर में होते हैं वो 2020 टाइप्स के होते हैं। कितने? 2020 टाइप्स। चाहे वो प्लांट्स होए, बैक्टीरियाज होए, कुछ भी होए, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टोटल 2020 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं। समझ में आया? इन अमीनो एसिड को हम लोग कंबाइन कर करके बहुत सारी चीज बना सकते हैं, थाउजेंड्स एंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्रोटीन्स बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। अल्फाबेट को यूज करके कितने आप वर्ड्स बना सकते हो? इन्यूमरेबल, कितने ही बना सकते हो चेंज कर करके उसके पैटर्न्स को। वैसे ही 2020 अमीनो एसिड्स होते हैं, उसको अरेंज कर करके हम लोग डिफरेंट
प्रोटीन्स बना सकते हैं। समझ में आ गया प्रोटीन क्या होता है? ओके, तो प्रोटीन का बेसिक यूनिट जो होता है वो अमीनो एसिड होता है। समझ में आ गया? अमीनो एसिड कहाँ प्रेजेंट है? ये बॉडी में प्रेजेंट है, मैंने अभी बताया 2020 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड इज प्रेजेंट। अब कौन सा प्रोटीन आपको चाहिए वो आपका डीएनए डिसाइड करेगा डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन। समझ में आया? कोडॉन को रीड करने के बाद पता चलेगा कि उसको कौन सा अमीनो एसिड चाहिए। तो ये कोडॉन के लिए अमीनो एसिड दूसरा रहेगा, इस कोडॉन का अमीनो एसिड दूसरा रहेगा, उस कोडॉन का अमीनो एसिड, ये सारे के सारे अमीनो एसिड आके अटैच हो जाएंगे एक दूसरे से, फिर ये बन जाएगा प्रोटीन। समझ में आ गया? तो अब ये जो mRNA है, एक बार प्रोटीन बन गया तो उसका कुछ काम है क्या? ये खत्म हो जाएगा। mRNA इज टेम्पररी, मैं स्टार्टिंग में बताया था ना टेम्पररी होता है, तो वर्ड वहां पे खत्म कर दिया था क्योंकि मुझे पहले ये पढ़ाना था। ठीक है, तो mRNA जो होता है टेम्पररी होता है, जब तक उसका यूज नहीं होता जब तक वो रहेगा आपके सेल के अंदर। वंस दे आर यूज दे आर वैनिश फ्रॉम द सेल, डिसअपीयर, दे आर डिस्ट्रॉयड, बिकॉज ये मैसेज है ना, मैसेज पढ़ने का क्या करते हैं, डिलीट, उसका काम होता नहीं है। मैसेज रीड हो गया, नाउ इट हैज टू बी डिलीटेड, क्योंकि इसको बार बार हम लोग यूज नहीं करते। नेक्स्ट टाइम जब कभी आपको सेम चीज चाहिए रहेगी, आपका डीएनए फिर से बना के देगा उस चीज को, लेकिन हम उसको रीयूज नहीं कर सकते। जो tRNA है, rRNA ही आपके सेल में रहता है। समझ में आ गया? ओके, तो आपका ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन खत्म। इसके बाद में हम लोग, अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर सबसे पहला जो, चलो वो ट्रांसलेशन एक्सप्लेन करूंगा, ये हो गया खत्म। चलो स्टार्ट करो फटाफट, बट डेली नाउ वी स्टडी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि mRNA से प्रोटीन बनने वाला है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसलेशन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक डीएनए mRNA ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये स्ट्रेट लाइन जो है mRNA को रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर तो चलता ही नहीं, इसके ऊपर ये सीक्वेंस है, क्या है? कहीं का सीक्वेंस? वेरी गुड, ए, इधर लिखता हूँ, जाने दे, लिखता हूँ, ए सी यू जी, ए क्या रे, बी बोलता है, चुप, जी, ओके, देन ए, देन सी, टी नहीं होता ना इसके अंदर, पागल, सी किधर है इसमें? इधर है, सी होता है, टी नहीं होता है, टी के प्लेस पे क्या होता है? यू होता है, ओके, जी जी यू, समझ गया? तो एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में जो ग्रुप ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओके, स्टार्टिंग में सबसे पहले ऑगस्ट लिखने का, ए यू जी लिखने का, क्या लिखने का? ऑगस्ट, दैट स्टैंड्स फॉर, ये कोडॉन है ये, ओके, मतलब जैसे कि पूरे इसके अंदर, पूरे इसके अंदर जैसे मैंने लिखा ए सी टी ओ पी एल एम I T I M E S S T E, ये एक वर्ड है, ठीक है, ये एक वर्ड है, ओके, इस पूरे वर्ड में कुछ सेंसेबल पार्ट है, कुछ नॉन सेंस पार्ट है, जैसे कि यहाँ से कुछ इसका मीनिंग भी बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप रीड करते हुए जाओगे कुछ मतलब नहीं है, ये मतलब का कुछ दिखता है, टी आई एम ई टाइम, फिर उसके आगे कुछ ना कुछ रहेगा। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? वैसे ही डीएनए के mRNA के सीक्वेंस में, mRNA के सीक्वेंस में बहुत सारे कोडॉन होते हैं। समझ में आया? अब ये tRNA और rRNA इसको होल्ड करते आगे बढ़ते रीड करते हुए। समझ में आया? जितने भी उन लोग रीड करते हैं वो सबके सब नॉनसेंस होते हैं, उसका कुछ मतलब नहीं होता है। जब वो AUG पे आते हैं तो समझ जाते हैं यहां से अपना ट्रांसलेशन स्टार्ट होने वाला है। समझ में आ गया? कहाँ से स्टार्ट होएगा ट्रांसलेशन? AUG से स्टार्ट होएगा। तो इसके ऊपर एक tRNA आएगा, उस tRNA के ऊपर एक ऐसा डंडा रहेगा, वहां पे एक लगा रहेगा अमीनो
एसिड अटैच रहेगा. समझ में आया? जब इसको रीड करके दूसरा वाला यहाँ पे आएगा तो ये निकल जाएगा और ये अमीनो एसिड यहाँ पे रह जाएगा. बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला? देखो ये रीड करते करते AUG पे आया, 1, 2, 3 कौन आया? tRNA आया. कौन आया? tRNA. उसके ऊपर टकले पे उसकी साइड में एक क्या अटैच्ड है? अमीनो एसिड अटैच्ड है. ठीक है, कौन सा अमीनो एसिड अटैच है? तो AUG के लिए मिथियोनाइन होता है. क्या होता है? मिथियोनाइन होता है. AUG के लिए क्या होता है? मिथियोनाइन होता है. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे MET, मिथियोनाइन, ये अमीनो एसिड है. समझ में आ गया? अब इसके आगे का मुझे नहीं पता है, उसके लिए एक चार्ट होता है. 12th में हम लोग पढ़ाते हैं, एक चार्ट होता है कि इसको कैसा रीड किया जाता है, उसका एक चार्ट होता है. तो आपको वो चार्ट नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा उसके बाद में? ये अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, 3, 4, सिंपल वर्ड्स में. ठीक है, तो ये लेके आया मिथियोनाइन को. अब दूसरा अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड को लेके आया, ये चल दिया, इसको छोड़ दिया. समझ में आ गया? ये वाला tRNA चला गया, इसको छोड़ के गया. अब जब दूसरा वाला आया तो उसके पास दूसरा अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड 2. फिर तीसरा आएगा, वो चल देगा और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा. समझा? अब तीसरा आएगा तो उसके पास अमीनो एसिड 3 रहेगा, इसका बॉन्ड बन जाएगा. फिर वो और आगे जाएगा, फिर अमीनो एसिड 4 रहेगा, उसका बॉन्ड बन जाएगा. लास्ट में एक स्टॉप कोडॉन होता है. क्या होता है? स्टॉप कोडॉन, जो इंडिकेट करता है, जैसे फुल स्टॉप मतलब रुकने का है, तो वैसे वहां पे स्टॉप कोडॉन होता है, वहां पे मतलब स्टॉप करना है. तो ट्रांसलेशन अपना वहां पे स्टॉप हो जाता है और जैसे ही वो स्टॉप होएगा ये पूरा एक चेन बन गया. मैंने बताया ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोटीन. तो प्रोटीन बन गया आपका. समझ में आ गया? ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत शॉर्ट में और प्रिसाइजली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये क्या चीज है. व्हाट इट? ओके, बुक्स में ऐसा डायग्राम दिया है. देखो ये अमीनो एसिड है, सॉरी अमीनो एसिड बोल रहा हूँ, ये mRNA है, उसके ऊपर देखो tRNA है. देखा? देखो लाइसिन को लेके आ रहा है उसके टकले पे. है क्या? नहीं तो ये जो लाइसिन है ये अमीनो एसिड है. समझ में आया? तो वो चले जाएगा, फिर दूसरा अमीनो एसिड लेके आएगा, वो चलेगा, फिर दूसरा अमीनो एसिड, वैसे वो चलते रहेगा. tRNA पे, tRNA का स्ट्रक्चर ऐसा होता है लाइक अ हेयर पिन. ओके, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है और tRNA के बेस में यहाँ पे जैसा यहाँ पे 3 होता है वैसा वहां पे भी 3 होता है. ठीक है, अब कैसा मालूम पड़ेगा कि ये AUG के लिए कौन सा वाला tRNA आएगा? तो A के अपोजिट क्या रहना चाहिए? T. तो यहाँ पे रहेगा U. U के अपोजिट में क्या रहना चाहिए? A. तो यहाँ पे रहेगा A. G के अपोजिट में क्या रहना चाहिए? C. तो C. तो ये वाला इसको ढूंढ के इसके पास ही आएगा, इसके लिए उसका अपोजिट आएगा, उसके लिए उसका अपोजिट आएगा. समझ में आया? तो ऐसे अलग अलग टाइप के tRNA भी होते. अब इसको क्या बोलते हैं? तो इसका नाम है एंटीकोडॉन. एंटीकोडॉन क्या बोलेंगे इसको? ये कोडॉन है तो वो क्या है? एंटी, क्योंकि ये बिल्कुल उसका क्या है? अपोजिट है. समझ में आ गया? कोडॉन एंटीकोडॉन क्या होता है? Yes.